What is the name of this dessert? Ah, that's all with almond. Okay, pistachio. Okay. Okay. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी मैं मोरक्को के शहर मराकश में हूँ और आज मेरा पहला दिन है। कल रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था, रात को काफ़ी लेट पहुँचा था, तो मैंने कोई व्लॉग वगैरह या जो कोई भी अपडेट थी वो नहीं दी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था। मिलान से मराकश पहुँचा था कल रात को। तो ये आज का पहला दिन है और बहुत ही खूबसूरत दिन है। काफ़ी धूप वगैरह निकली हुई है, टेम्परेचर वगैरह भी जो है वो काफ़ी हाई है। तो ये यहाँ पे मैंने मोरक्को के जो मराकश के जो मेन स्क्वायर है उसके पास ही एक होटल लिया था, होटल ज़ागोरा। तो मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा सा जो है वो बाहर का व्यू दे दूँ कि यहाँ पे कैसा माहौल है और सब कुछ कैसा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो वायरलेस माइक है वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे जो है वो एक्शन कैमरा का जो माइक है वही यूज़ करना पड़ रहा है। तो पहले इंप्रेशन में देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे वो पाकिस्तान में वो जो छतें वगैरह होती हैं, काफ़ी कंजस्टेड सा बनाया हुआ इलाका जो है। बेसिकली ये रेजिडेंट एरिया ही है, तो इसी के अंदर ही उन्होंने होटल वगैरह बनाए हुए हैं। इसको आप हॉस्टल भी बोल सकते हैं, होटल वगैरह भी बोल सकते हैं। और ये इसका नीचे का व्यू है, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है। और आज जो है वो धूप वगैरह भी काफ़ी निकली हुई है, तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने चेयर्स वगैरह ऊपर रखी हुई हैं और बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई हुई है। और बाकी जो है वो साथ में क्लोज़अप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साथ ही कितनी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ये नीचे से एक गली है जो मेन स्क्वायर की तरफ लेकर जाती है और इसके नीचे ही होटल है मेरा। तो यहाँ पे मतलब वो जो मकान वगैरह या जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको देख के आपको वैसी ही फील आती है जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह में होती है। तो जी ये हमारा होटल है और अभी हम कोई नाश्ता वगैरह यहाँ पे देखने के लिए चलते हैं बाहर कहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा और काफ़ी कंजस्टेड सा बनाया हुआ है, लेकिन लकीली मुझे होटल जो है वो काफ़ी करीब मिला है मेन स्क्वायर के पास। और जितनी भी मेन अट्रैक्शन यहाँ पे हैं वो सारी इसके बिल्कुल पास पास ही हैं। तो जी अभी हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास ही एक गली के पास यहाँ पे एक होटल वगैरह है जो यहाँ पे मुसम्मन वगैरह और दूसरी चीज़ें वगैरह सेल कर रहे हैं। तो जी ये हमने ऑर्डर की है यहाँ पर एक मुसम्मन चीज़ के साथ, और इसके साथ जो है वो हमने एक चाय ऑर्डर की है जो कि मिंट टी है, यहाँ की लोकल बिल्कुल जो ब्रेकफास्ट में लोग खाते वगैरह हैं यहाँ पे। तो जी नाश्ता हमने कर लिया हुआ है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे मेन स्क्वायर की तरफ जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। वैसे तो कल रात को भी मैं यहाँ पे आया था तो नाइट लाइफ जो है वो यहाँ पे बहुत ही क्रेज़ी है। वैसे किसे मतलब इतनी रौनक थी कि जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी है। तो मौसम भी जो है वो काफ़ी बादल वगैरह आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान भी हैं। तो ये जी यहाँ पे स्नैक चार्मर वगैरह बैठा हुआ है यहाँ पे, और जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि सांप वगैरह का वो शो दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। English French Je m'appelle Hassan. Oh, Hassan. C'est le nom en arabe. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Non. वो कह रहे हैं कि भाई इसको गले में डालें, लेकिन मैं इसको गले में डालने की बिल्कुल नहीं।
तो जी ये हैं स्नेक चार्मर, और ये काफ़ी मतलब यहाँ पे लोग स्कैमर्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको मतलब कहते हैं कि ये एक्टिविटी आप करें, आपके गले में सांप डाल देंगे और कुछ इस तरह की और एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जिसके ज़रिए से वो आपको बोलेंगे कि आप हमें जो है वो पैसे दें, और मतलब इस तरह का सीन होता है यहाँ पे मेनली। लेकिन अभी इस जगह पर कोई ख़ास रौनक नहीं है जैसे ही मैंने रात को देखी थी। रात के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश वगैरह था। ये यहाँ का मेन स्क्वायर है, और यहाँ का ये जो इलाका है ये बिल्कुल वाल कम्युनिटी है, जैसे कि मतलब इसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह है वो सारी एक ना दीवार के साथ उन्होंने उसको कवर किया हुआ है, और जो भी है यहाँ पे मतलब इसके अंदर ही है, एक शहर बसाया हुआ है। तो चलते हैं, अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। मेनली तो यहाँ पे जो है वो जूसेस वगैरह की शॉप्स बनाई हुई हैं, मतलब ये फ्रूट जूसेस वगैरह की उन्होंने ये रेड़ियाँ वगैरह से लगाई हुई हैं, और कुछ छोटी छोटी मार्केटें वगैरह हैं, और बाकी यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं कि और इसमें देखने के लिए क्या है, खूबसूरत जगह है। शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदा। तो ये यहाँ पे जो है वो लोग मतलब जो हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपके साथ। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की उन्होंने शॉप बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी किस्म के ये ओलिव्स हैं या पता नहीं क्या है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है वैसे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइसेस वगैरह रखी हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं, जैसे कि ये शूज़ की है और ज्वेलरी वगैरह है, मतलब ये छोटी छोटी मार्केट्स वगैरह इसके अंदर उस मेन स्क्वायर के साथ जो हैं वो लिंक करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पे छोटी छोटी। तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो यहाँ पे आपको जगह जगह इसके जो है साइन बोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी एक्सकर्शंस एवरी डे, तो ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ की। यहाँ से एक पास में एक सिटी है एसासोरिया, और जहाँ का मैंने बुक किया हुआ है अभी, और जो आज की एक्टिविटी होगी मेरी वो ये है, क्वाड बाइक के साथ कैमल और डिनर शो अगाफे। तो ये काफ़ी फ़न एक्टिविटी होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो डेजर्ट वगैरह में लेकर जाएंगे, और साथ में वो काफ़ी फन एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, मतलब वहाँ पे राइड होगी कैमल की और अपना क्वाड बाइक की। अभी हमें एक यहाँ पे बेकरी वगैरह नज़र आई थी, तो मैंने सोचा है कि इसकी मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, तो हम यहाँ से पूछेंगे भी कि इन चीज़ों के नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिज़र्ट? Ah, that's all with almond. Okay, pistachio. Okay. Okay. Thank you. तो ये यहाँ पे काफ़ी बेकरी आइटम्स वगैरह लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की मतलब जो है वो बेकरी आइटम्स लगी हुई हैं। तो वैसे तो मेरा दिल भी कर रहा है कि यहाँ से कुछ ट्राई भी करूँ। कैन आई ट्राई वन ऑफ दिस पिस्टाचियो? What is your name? Me? Yes. Khadija. Khadija. Okay. And you? Hassan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where? Me? Oh, okay. Sorry. This one. Just one. That's pistachio. That's pistachio. Okay. Okay. So, जी अभी हम ये try करते हैं. Delicious. Very nice. How much? No, it's okay. No, I want. Four pieces for try. It's okay. Shukran. Thank you very much. You are very kind. यार कितने अच्छे लोग हैं, मतलब उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए वैसे ही दे दिए, मैंने तो मतलब यही था कि उनसे पूछूँ ना कि प्राइस वगैरह कितनी है। तो ये भाई यहाँ पे ये सीन भी है कि मतलब गधा गाड़ी वगैरह पे भी लोग जाते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ की काफ़ी स्पेशलिटीज़ हैं, मतलब ये आर्ट वर्क वगैरह की और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, और बाकी ये यहाँ की जो है वो टिपिकल ज्वेलरी आप समझ लें कि यहाँ की जो ख़ास ज्वेलरी वगैरह ये लोग जो बनाते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत है। बाकी इधर साइड पे देखें तो काफ़ी सुवनियर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं उन्होंने,
मराकेश के हवाले से, और बहुत ही खूबसूरत किस्म के सूवनियर्स वगैरह हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ भी ये काफ़ी खूबसूरत मेटल के जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस वगैरह लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे एक हमाम मुझे नज़र आया है, और ये जो है वो जेंट्स के लिए है, तो इसकी प्राइस वगैरह ये 70 दिरहम, 7 यूरो और 20 यूरो, और मतलब इस तरह की काफ़ी प्राइसेस वगैरह लगाए हुए हैं। ये एक म्यूज़िक की शॉप मुझे यहाँ पे नज़र आई है, और हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से अगर देखा जाए या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या किसी तरह के भी जो हैं वो मतलब इससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं, तो मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसा कंट्री नहीं देखा है जहाँ पे इतनी वो हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब एक से एक, एक के बाद जो एक शॉप आती है उसके अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स और जो पीस ऑफ आर्ट और आर्ट वर्क वगैरह आपको नजर आता है, कमाल का है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। Yes. I'm making this video for YouTube. Welcome, my friend. Thank you. तो यहाँ पे जो है वो मतलब बहुत खूबसूरत किस्म की जो है वो आर्टरी आइटम्स वगैरह पड़ी हैं। ये भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बहुत खूबसूरत वगैरह जो है वो क्या कहते हैं, मतलब पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, आर्ट वर्क है यहाँ पे बहुत खूबसूरत। तो ये छोटी छोटी यहाँ पे गलियाँ सी बनाई हुई हैं, उनके अंदर ये शॉप्स हैं, और मुख्तलिफ किस्म की आपको मतलब हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ज्वेलरी से रिलेटेड या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने पहले देखा है। अभी ये एक और यहाँ पर एक शॉप आ गई है यहाँ पर, जो मेटल की जो हैं वो आपको काफ़ी पुरानी जो हैं वो चीज़ें मिल जाएंगी, विंटेज आइटम्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये अलादीन का चिराग भी पड़ा हुआ है, शायद इसमें से भी कोई जीन वगैरह निकलेगा। तो ये मतलब कमाल की जो शॉप्स हैं यहाँ पे, मैंने पहले कभी ऐसी शॉप्स वगैरह नहीं देखी हैं जो जहाँ पे आपको इतनी आर्ट और इतना वो फ़न मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जी आज मैंने सोचा है कि यहाँ का जो टिपिकल खाना है वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि आप जिस कंट्री में होते हो तो वहाँ का जो टिपिकल क्यूजीन होता है वो आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि इस कंट्री का जो है वो खाना वगैरह कैसा है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जो जहाँ से मोरक्कन जो टिपिकल क्यूजीन है उसका टेस्ट भी पता चल जाए और हमारा लंच भी हो जाए। तो थोड़ी देर में मैं यहाँ पे इंशाल्लाह किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा भी सही कि यहाँ पर के खाना वगैरह कैसा है। दिखाई दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेन टूरिस्ट हैं मेरे ख्याल में जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिए हैं वो फ्रेंच और स्पेनिश हैं। वैसे तो मुझे भी फ्रेंच आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब लोकल के साथ डील कर रहा हूँ तो मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ जब ब्लॉग बना रहा होता, क्योंकि सब लोगों को समझ आनी चाहिए। तो इसलिए वैसे यूजली मैं जब लोगों से बात कर रहा होता हूँ कैमरा के ऑफ़ कैमरा, तो मैं जो है वो फ्रेंच में ही उनसे बात करता हूँ, तो मुझे वो काफ़ी कंफर्टेबल ही भी लगता है, क्योंकि अगर आप लोकल के साथ उस लैंग्वेज में बात करते हो जिसमें वो ज़्यादातर बात करते हैं, तो आप जो है उनको अच्छा तरह से उनका मतलब समझा पाते हो। ये यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे सबसे फेमस जो है वो सब्ज़ियों में मेरे ख्याल में यहाँ पे पुदीना ही है, जो यहाँ पे चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई मिंट भी पड़ा हुआ है और फ्रेश मिंट भी, और क्या इसकी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से। तो जी अभी जो है मैं वो एक और मेन अट्रैक्शन यहाँ की आपको दिखाने लगा हूँ, जिसका नाम है मॉस्क कुतुबिया, जो कि 12th सेंचुरी की मॉस्क है और बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ की मेन अट्रैक्शन भी रहती है, और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन भी है। तो ये देखें जी,
ये यहाँ पे घोड़े और बगियाँ वगैरह भी ये चलती हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा ये मेन स्क्वायर के अंदर ही है ये चीज़। और ये सामने मेरे गार्डन है जो मौस कुतुबिया का गार्डन कहलाता है। यहाँ पे आप ये बगी वगैरह पे राइड वगैरह भी ले सकते हैं और ये यहाँ का जो है वो सीनरी वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो रिक्शे वगैरह भी यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि वो सफाई साफ़ सुथराई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब मुल्क जो है वो बहुत ही साफ़ है। ठीक है, चीज़ें वगैरह कुछ पुरानी हैं, एंटीक्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ वगैरह आपको पुरानी नज़र आएंगी या बाइक्स वगैरह, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंट्री जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है। मतलब आप देखें यहाँ पे कहीं भी रोड के ऊपर आपको कभी कचरा वगैरह नहीं नज़र आता है। तो ये मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत बात नज़र आई है और मुझे इसका जो है वो अंदाज़ा हर जगह पर फील हो रहा है। मतलब मैं जितनी भी जगह यहाँ पे अभी तक घूमा हूँ आज के दिन में और या कल रात को, तो मुझे हर जगह सफाई नज़र आई है। तो ये यहाँ पर हम आ चुके हैं जिस जगह पर ये आपको बताया था कि बगियाँ वगैरह भी चलते हैं यहाँ पर। तो ये जितनी भी ये जो बगीज वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाउ मच मनी? व्हाट फॉर द हॉर्स राइड? अराउंड यस ऑफिशियल दिरहम। ऑफिशियल प्राइस? ओके, इट्स 200 दिरहम। 200 दिरहम? या फॉर वन राइड फॉर बिग टूर? हां ओके, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वन टू गो स्ट्रेट मोहम्मद 5, ओके, दिस इज लिबर्टी लिवर मश एरियन कैसीनो, दिस इज मामूलिया होटल गार्डन कुतुबिया, आफ्टर टू गो द ओल्ड टाउन पिंक पैलेस कस्बा Jewish area, space market, Bahia Palace, Eton Batila, the big okay. Old town in Newtown. Okay, in 200 dirham. 200. तो जी ये यहाँ की जो ऑफिशियल प्राइस वगैरह थी उन्होंने बताई कि मतलब 200 यूरोस 200 दिरहम में जो है वो आपको एक घंटे का यहाँ पे टूर देते हैं। मतलब आप जो जितनी भी यहाँ की मेन अट्रैक्शन वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी बैक साइड पे ये कुतुबिया मॉस्क है, वो इसका ये गार्डन वगैरह है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी मतलब उसने जगह बताई हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 दिरहम में। मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल प्राइस है कि मतलब आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं एक ही जगह पर बैठे हुए। आप मतलब जो है वो काफ़ी पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है एक चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी है कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह है वहाँ पर कोई भी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो लोग रोड वगैरह यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं में भी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह नज़र नहीं आता है। पता नहीं चलता है कि आपने जब रोड क्रॉस करना है तो कोई सिग्नल वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, बस अपनी हिम्मत पे ही क्रॉस करना है रोड। तो जी अभी हम जो है वो मेन स्क्वायर में जो मॉस्क कुतुबिया है उसके बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं इसका एक बड़ा सा मीनार है और साथ में मतलब जो है यहाँ पर लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं और काफ़ी रौनक वगैरह है यहाँ पे। मस्जिद को अंदर से जो है वो एक्सप्लोर भी करते हैं और आपको साथ में दिखाते भी हैं। तो जी ये यहाँ की जो है इस मॉस्क की जितनी भी हिस्ट्री वगैरह है यहाँ पे लिखी हुई है अरबिक में, फ्रेंच में और ये इंग्लिश में है। द फर्स्ट कुतुबिया मॉस्क मतलब ये जो 1147 में बिल्ट हुई थी और 1157 में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका टी जो है वो मतलब शेप की जो इसकी है, तो इसके बारे में जितनी भी है ये डिटेल है ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। ये मेरे ख्याल में अभी भी अनफिनिश्ड है, मतलब ये मॉस्क जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं ये इसके रियूम्स वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क वगैरह बनाया हुआ है, गार्डन वगैरह हैं और इसको बोलते हैं जी पार्क लाला हसना के नाम से ये फेमस है। और इसके बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो आप मॉस्क देख सकते हैं, कुतुबिया मॉस्क है। और दूसरी तरफ जितना भी है ये गार्डन वगैरह है, काफ़ी हरियाली वगैरह खूबसूरती है। तो जी मॉस्क जो है हमने वो विज़िट कर ली है और अब चलते हैं यहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह देखते हैं कुछ खाने के लिए। वैसे मुझे यहाँ पे KFC भी नज़र आया था लेकिन फ़ास्ट फूड खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, तो जो है वो कुछ मोरक्कन टिपिकल फूड ट्राई करते हैं। तो जी अभी यहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे तकबर रेस्टोरेंट पे और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मेन्यू है और यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और खाने के लिए आज क्या है।
मेरे ख्याल में ये जो मेन डिशेज हैं ताजीन वगैरह यही सबसे अच्छी रहेगी। तो इसकी प्राइस है जी 75 दिरहम और बाकी इसके साथ ड्रिंक्स वगैरह की जो है वो प्राइसेस वगैरह एक्स्ट्रा होंगी। जी ये अभी हमारी ताजीन जो है वो आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा मेन मील था। इसके साथ कोक वगैरह ऑर्डर की थी और मैंने कुछ सैलड वगैरह ऑर्डर किया था जो कि वह ख़त्म हो चुका है, और साथ में कुछ ब्रेड थी। तो ये जो अब इसको ट्राई करते हैं। तो जी खाना अभी हमने खा लिया है और मैं वापस जा रहा हूँ होटल में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि द बेस्ट मोरक्कन फूड आई हैव हैड वाज दिस, क्योंकि मैंने पहले भी मोरक्कन फूड जो है वो ट्राई की है लेकिन इस जैसा ही अच्छी और टेंडर मीट मैंने कभी आज तक नहीं खाया है। और सर्विस वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्विक थी, और बाकी सैलड वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, और मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मराकश में आना चाह रहे हैं और अगर आपने ये मतलब जमाल अल फिना जो ये स्क्वायर है आपने विज़िट किया है तो आप इस रेस्टोरेंट पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे अच्छा खाना मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी जगह पर मिलेगा। और ये भी एक लोकल की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि मैंने यहाँ से एक लोकल से पूछा था, मैंने कहा था कि अगर आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो होटल या सबसे अच्छा जो रेस्टोरेंट है वो कौन सा है, तो उसने मुझे ये रिकमेंड किया था, उसने कहा था कि आप इधर जाएं तो यहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलेगा। और प्राइस में भी देखा जाए तो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, सर्विसेज भी अच्छी थी, और खाना तो टॉप नॉच था, बिल्कुल बहुत ही आला। तो जी आज का व्लॉग जो है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और मैं अभी वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे अभी 3 बजे जो है वो एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे भी जाना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।